वो मैच में उसने ना तो विकेट निकाली ना तो स्कोर बनाया, एक रन पे आउट हो गया। बट वो मैच का अंगद के लिए जो आउटकम था वो था कि उसने वो मारे हुए बॉल में हाथ डाला। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। आज भी एकदम आराम से उठे हैं क्योंकि कल भी आराम करने का प्लानिंग था बट आराम हुआ नहीं, इधर उधर उधर जाना हुआ। फिश टैंक की लाइट लेने के लिए गया, वो भी बहुत दूर जाना पड़ा, वो हेक्टिक हो गया। देन शाम को सार्थक को बैट लेने की थी तो उसके साथ गया था, बट बैट तो ली नहीं हम लोग ने, वेट किया क्योंकि सही बैट नहीं मिल रही थी तो नहीं लिया। तो कल जितना आराम होना चाहिए था वो हुआ नहीं, सो आज एकदम आराम से उठे हैं। अभी फ्रेश हुआ हूँ एंड अंगद का भी अभी नहाना बाकी है, बट अंगद मॉर्निंग से स्टेट ड्राइव स्पोर्ट्स का एक वीडियो पुराना मिला हमें, प्रैक्टिस नेट सेशन का प्रैक्टिस वाले वो एडिट कर रहा है मॉर्निंग से उठ के। बहुत बार क्या होता है वीडियो शूट कर लेते हैं बट उसका एडिट करना रह जाता है। पहले प्रैक्टिस किए हुए वीडियो था अंगद का जो हम लोगों ने शूट निकाला था, उसका एडिटिंग अंगद ने किया, अभी रेंडरिंग के लिए रख देगा एंड कुछ टाइम में वो पब्लिश भी कर देंगे। छोटा है, ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट का ही वीडियो है, बट स्टिल जो है वो अपलोड कर देंगे। एंड एज ऑलवेज शी इज डूइंग सम चपाती वर्क। नंतर बघा किती भारी दिसेल। घाण करते तू, एवढा कलर वेस्ट करते तू। नाही नंतर सुकतो तो ते मग हे होत। ओ आता रेंडरिंग ला ठेवा आणि आंघोळी जा, कळलं का? आर्यन की ये जो प्लेयर एडिशन बैट है पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अभी इसको आज टेप नहीं करना है, आज का दिन ऐसे ही रखेंगे। अरे रे लाइट गलत बाजू से लाइट आ रहा है। बोलटू तुझा बाजूला बसू अपन, म्हणजे थोड़ा बोल्टू भी आ जाएगा एंड बैट का भी आ जाएगा। तो ये अच्छा ऑयलिंग हुआ है, अच्छा नॉकिंग हुआ है इस बैट को, कल या परसों में उसको टेप करेंगे क्योंकि आया था ऑयल अब्सॉर्ब नहीं हो जाता ना प्रॉपर, तो जो स्टिकर टेप है वो निकल सकता है पॉसिबली। एंड देखो बोल्टू, देखो बोल्टू को नींद आ रहा है। बोल्टू टन चा बैट वर झोपला है, अ टन टन अ टन। बोल्टू को कल नहलाया है, उसको नाक को थोड़ा खुजली आ रहा था उसको दवाई लगाया है, तो बोल्टू का अच्छा खासा ग्रूमिंग हो गया है कल। उसको आंखों के लिए भी नया क्रीम लाया है, आई ड्रॉप्स लाया है, अभी मॉर्निंग का डोज बाकी है उसका आंखों का। ओ बाबा कुठे जायचं, कुठे जायचं, दिसतं का तुला जायला कुठे? हां आईकडे जायचं, कधी जायचं, कुठे नाही जायचं, घरात बस जरा दिसत नाही काही नाही, जायचं जायचं असतं त्याला। आणि 11 o'clock नाव और फिश टँकची लाईट आज चालू कर देता हूँ, उसकी तो ऑटोमेटेड है एक्चुअली। जेट लाइट का ना इससे हायर वर्जन है जिसमें खुद का ऑटोमेशन है, उसमें बहुत सारे सेटिंग्स है लाइट के, बट वो बहुत ज़्यादा महंगी लाइट है, अराउंड 30-40 हज़ार की वो लाइट है। ये लाइट अराउंड मुझे सिर्फ 5,000 रुपीज़ में मिली, दैट इज़ वेरी चीप। बट इसके साथ ना एक कंट्रोलर आता है, वो अलग से लेना पड़ता है। कि वो कंट्रोलर क्या करता है, मॉर्निंग का जो सनराइज़ रहता है उसका इफेक्ट आता है, देन दोपहर में लाइट बढ़ जाता है, फिर शाम को सनसेट होता है उसका इफेक्ट रहता है, देन थंडरिंग का इफेक्ट रहता है, और ये 12 आवर्स का जो प्रोग्रामिंग है उस वो कंट्रोल करता है। ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ वो कहीं पे मिल रहा है क्या। प्रोडक्ट नंबर है सेटलाइट ZN1001 कंट्रोलर। मुझे वो टाइमर लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा सब, एंड उसका जो इंटेंसिटी है लाइट का कम ज़्यादा वो कंट्रोलर करेगा। और ये मेरा सैमसंग का पुराना लाइट, ये लाइट का हाइट बहुत कम है, ये छोट बहुत हाइट कम है, तो उसका सॉल्ट वाटर उड़ के ये से जल गए थे एलईडी। ये बहुत गर्म हो जाता है पैनल, और सिंस पैनल गर्म हो जाता है तो उसका जो भी सॉल्ट है वो गर्म हो के ऐसे जल गए, तो एलईडी जल गए। ये अभी भी अच्छा है, ये अच्छा है, बट दिस इज ये जल गए सब, ये ऐसे आस्ते आस्ते एक एक करके उड़ गए। फाइनली 2 LED ही बचे थे, 2 LED पे मेरा काम चलने वाला है नहीं। पिंटू आ जाएगा तो पिंटू को बोलूँगा इसमें कुछ LED ऐसे मिलते हैं बाजार में तो लाके फिट कर दे इस पे। ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, ये रखूँगा, इसको रिपेयर करूँगा अच्छा खासा और यूज़ कर सकता हूँ इसको। आज क्या करते तू? हिस्ट्री। अंगद इज डूइंग हिस्ट्री टुडे, उसका व्लॉग एडिट करके हो गया, रेंडरिंग को भी रखा था, आई थिंक रेंडरिंग हुआ है, रेंडरिंग झालेगा का? रेंडरिंग हुआ है तो अभी इसको अपलोड भी कर देते हैं एंड अग्नि का लेक्चर चालू है, अगली लेक्चर इज गोइंग ऑन, और वहाँ पे अग्नि देखो ड्राइंग निकाल रही है। ये होता है ऑनलाइन लेक्चर, व्हाट इज गोइंग ऑन, लेक्चर का ना अटेंड करते थे साइड बाय साइड, नहीं असं नसतं, त्या टाइमात तेच करायचं, ड्रॉइंगच्या वेळेस ड्रॉइंग करायचं, लेक्चरच्या वेळेस लेक्चर करायचं, दिस इज नॉट द वे। चलो अपलोडिंग को रख दिया है, अभी थोड़ा एक थंबनेल बना लेता हूँ और डाल देता हूँ। इसको बाहर रखने का जरूरत है जरा, इट इज वेरी हेवी।
दो इट इज इनडोर, इनको थोड़ा बहुत धूप लगना तो बनता है ना बॉस, है कि नहीं? ये जब इसे बाहर रखे हैं तभी से वापस ज़रा फ्रेश हो गए। हम लोग कैसे, हम लोग रहते हैं घर में बट हम लोग को भी फ्रेश होना होता है ना, तो हम लोग कैसे आउटिंग करके आते हैं, बाहर जाके आते हैं, घूम के आते हैं, हम लोग फ्रेश होते हैं। वैसे ही प्लांट्स का है, भले वो इंडोर रहे, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम सनलाइट में रखना, फ्रेश एयर में रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिर्ची है दी बहुत झाडावरची मिर्ची, हाँ एवढ्या लागल्या होत्या, मग खा खाऊन दाखव, खाऊन दाखव, आता दाऊ खाऊन दाखव मिरची, चॅलेंज मिरची इटिंग चॅलेंज, अशी पूर्ण खायची। काय बोल, काय बोल, आहे की नाही, आहे की नाही, काय करतो तू, बोल कुठे फिरतो? पप्पा तुम्ही खाऊन दाखव। नो 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 नो, तुम्हाला नाही आवडत मिरची, मी वेडा नाही, मी नाही खाणार, मला नाही आवडत। अभी जस्ट स्टेटर स्पोर्ट्स के लिए अंगद ने एक वीडियो रेंडर किया था एंड अपलोड भी किया। अंगद की एक छोटी सी मिस्टेक हुई उसमें, फेसिंग पेसर्स में उसने PACER की जगह पे PASER लिखा। एक दो कमेंट ऐसे आए कि भाई आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई, छोटा बच्चा है, समझा करो। बट आपको नहीं समझा उस वीडियो में देखना क्या है, जिन्होंने भी वो वीडियो में सी की जगह पे एस देखा है ना, तो आप लोग गलत देख रहे हो और आप लोग गलत चैनल देख रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या देखना है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, तो सही चीज़ देखने का प्रयास करो तो आपको सही चीज़ दिखेगी। ठीक है, चलो हम लोग ने भी मान लिया कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बट आपको नहीं समझा कि आपको क्या देखना है उस वीडियो में। एंड दैट वीडियो कम्प्लीटली एडिटेड एंड रेंडर्ड बाय अंगद। अग्री तो कर ही लेती है, अंगद भी सीख रहा है। मैं मेरे वीडियोस एडिट करने के लिए फिल्मोरा 9 यूज़ करता हूँ। एक अपडेट मिला है कि फिल्मोरा 9 वाले जो है फिल्मोरा 10 पे अपग्रेड हो सकते हैं, एंड मैंने मेरे बाकी स्टूडेंट्स ने, अनुज ने और पार्थ ने ऑलरेडी 10 पे अपग्रेड कर लिया है एंड मेरा ही बाकी है। तो अभी तो अंगद का ऑनलाइन क्लासेस चालू है, मैंने फिल्मोरा 10 की सेटअप फाइल डाउनलोड कर ली है। अंगद का जैसे लेक्चर ख़त्म हो जाएगा मैं फिल्मोरा 10 इंस्टॉल कर लूँगा। अरे मेरे स्टूडेंट लोगों ने कर लिया, अभी तक मैंने नहीं किया है, तो करना तो ज़रूरी बनता है बॉस। हम लोग ने जो लास्ट 15 दिन में जो टूर्नामेंट खेली है HKPL अंडर 14 की जो टूर्नामेंट थी 40 ओवर्स की, का थोड़ा मैं एनालिसिस या बोल सकते हैं कि उसका हम लोग का पॉजिटिव आउटकम या जो नेगेटिव्स है, तो मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो भी लड़के हैं वो बहुत ही अच्छा खेले ये टूर्नामेंट में। फर्स्ट मैच हम लोग ने बहुत ही वन साइडेड ली जीती, सेकेंड मैच में भी हम लोग का अप्रोच बहुत ही अच्छा था एंड थर्ड मैच में हम लोग की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही, स्कोर बहुत ही ज़्यादा बनाया सामने वाले टीम में, फिर भी हम लोग ने चेस करते करते शुभम ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी, 210 तक हम लोग लेके गए। ठीक है, हम लोग ने बहुत ही अच्छी फाइट दी एंड पॉजिटिव कम ये है कि हम लोग 40 ओवर तक खड़े रहे, 40 ओवर तक खेले। एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो पहले लेते हैं अंगद का, अभी भी वो सिर्फ 9 साल का है एंड अंडर 14 में खेल रहा है, अंडर 14 में वो ओपन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए एज अ कोच भी एंड एज अ पेरेंट भी। अभी इस उम्र में वो कितना स्कोर कर रहा है मैं नहीं देख रहा हूँ ज़्यादा, मुझे उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, इतना कॉन्फिडेंटली उन अंडर 14 के बॉलर को फेस कर पाता है एंड ही इज डूइंग वेल, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बॉलिंग में कंसिस्टेंटली विकेट ले रहा है। सेकंड आता है रुद्र, रुद्र का भी कॉन्फिडेंस लास्ट ईयर से ये साल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है रुद्र एज अ ओपनर। मुझे एक रियलाइज हो रहा है कि आई मतलब 30s में आके थोड़ा इशू हो रहा है, बट वो सभी बैट्समैन को होता है, अंगद को भी हो रहा है, रुद्र को भी हो रहा है, बट वो एक बार बैरियर वो लोग क्रॉस कर देंगे। रुद्र की एक 50 हो चुकी है बट दैट ग्राउंड वॉज स्मॉल, अभी ये जो ग्राउंड था उस पर बड़े प्लेटफॉर्म पे स्कोर करने के लिए थोड़ा एक्यूरिटी आना जरूरी है, वो आस्ते आस्ते खेल के ही आएगी। बट रुद्र इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, बॉलिंग में अभी भी रुद्र को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना जरूरी है बॉलिंग एंड फील्डिंग डिपार्टमेंट में। थर्डली है प्रथमेश, प्रथमेश भी एज अ विकेट कीपर अच्छा ग्रो हो रहा है, उसके विकेट कीपिंग रिफ्लेक्सेस अच्छे हो रहे हैं एंड उसके बैटिंग में भी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, उसका भी इंटेंट दिख रहा है रन बनाने का, गैप्स में मार के भागने का वो इंटेंट उसका दिख रहा है। शुभम हमारे लिए एक नया फाइंड आउट है ये टूर्नामेंट में, ही इज अ रॉ है, उसको ग्रूम करना जरूरी है, ही इज अ कंप्लीट पैकेज, मतलब वो अच्छा फील्डर है, अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है एंड अच्छा कैप्टन भी। लास्ट मैच में उसको समझ में आ गया कि उसने 81 रन बनाए, बहुत ही अच्छा खेला, बट उसके अराउंड 7 से 8 बाउंड्रीज कवर्स एंड बिड ऑफ ने बचा लिया जो उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे खेले। सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करके नहीं होता, तेरे को टाइम एंड गैप्स में मारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जोर से मारा और हाथ में मारा तो कोई भी मतलब नहीं, अच्छा फील्डर वो बाउंड्री रोक लेगा। तो अभी वो इंप्रूव कर रहा है हर मैच में, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है एंड वो मुझसे इनपुट्स ले रहा है कि सर ये मैच में मैंने आड़े शॉट तो नहीं खेले या सीधा खेला अच्छा खेला, उसको सीखने की भूख रख रहा है, तो दैट इज़ गुड। के बाद आता है अनुज, अनुज इज अ वेरी गुड बॉलर, वो बॉलिंग बहुत ही अच्छा करता है, ही इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर एंड वेरी गुड मिडल ऑर्डर बैट्समैन। पार्थ है, पार्थ विकेट कीपिंग अभी भी उसका उतना अप टू द मार्क नहीं आ पा रहा है बट ही इज़ वर्किंग ऑन इट, उसकी बैटिंग भी अच्छी है बट स्टिल टेक्निक वाइज
उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. देन नया फाइंड हमारे लिए एक तो सार्थक, सार्थक इज़ वेरी गुड फील्डर. बैटिंग एंड बॉलिंग इम्प्रूव करना है उसका. क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा है एंड जैसे जैसे वो ड्रिल वर्क एंड टेक्निक, क्रिकेटिंग टेक्निक सीखते जाएगा वो टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है. देन अगेन ओम, ओम मालू सर है तो ओम इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन. बट ओम का प्रॉब्लम यही हो रहा है कि उसका फिटनेस, मतलब सिंस वो छोटा है तो उसको डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है. तो वो अगर वो चीज़ वो ओवरकम कर लेता है तो ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, ही इज़ अ वेरी गुड थिंकर. उसका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत जिद्दी जिद्दी प्लेयर है वो. जिद्दी मतलब हार्ड से खेलता है एंड ही इज़ अ वेरी टफ माइंडेड प्लेयर. जितने लोग एक साथ खेलेंगे उतना उनका जेलअप होगा, उनका गेम डेवलप होगा एंड गेम डेवलप होते होते उन एक दूसरे के प्रति उनका बॉन्डिंग भी डेवलप होगा. तो आके सिर्फ प्रैक्टिस नेट्स में प्रैक्टिस करके मतलब नहीं रहता. अगर आप मैचेस नहीं खेलोगे तो आपका नेट्स में या एकेडमी में आके प्रैक्टिस करना भी कुछ मायने नहीं रखता है. एटलीस्ट वीकली एक मैच तो प्रैक्टिस मैच या टूर्नामेंट का मैच खेलना ज़रूरी है तो आपका गेम बेहतर और बेहतर होते जाएगा. एंड अगेन एक बात कहनी थी मुझे, अंगद लास्ट मैच में अंगद बॉलिंग कर रहा था एंड सामने वाला जो एक बैट्समैन था जिसने 144 बनाए, सौरभ पांचाल उसका नाम था, जिसने 144 नॉट आउट बनाए, अंगद ने उसको शॉट ऑफ गुडलैंड डाला तो उसने पुल किया तो वो बॉल मिड विकेट की तरफ ले जाके अंगद के तरफ आया. बहुत ही जोर से मारा वो बॉल था, मतलब इतने ज़ोर से मारा था कि ऐसे बॉल पे शायद ओपन के बॉलर्स भी हाथ डालने को दो बार सोचेंगे. इतना जोर से मारा हुआ बॉल, अंगद ने हाथ डाला उस बॉल में बहुत ही जोर का, उसको पाम पे बैठ गया बॉल हाथ में. एक दो सेकंड तो उसको कुछ समझा ही नहीं क्या हुआ, बट उसके बाद उसने रोना चालू कर दिया तो अंपायर ने भी गेम रोका कि इंजुरी हुए है क्या, क्या हुआ है देखने के लिए. मैं तो वहाँ पे एज अ कोच रहता हूँ बट एज अ पेरेंट, एज अ एक पिता मुझे भी थोड़ा कंसर्न हुआ कि अरे क्या हो गया. तो मैं भी भाग के अंदर गया और देखा तो उसके पाम को लगा था. मैं यही होप कर रहा था कि उसको उंगलियों को ना लगे क्योंकि उंगलियों को इंजरी हो सकती है, पाम को उतना कुछ होने का चांसेस नहीं रहता. बट एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि उसने हाथ निकाला नहीं, बट अभी उसका डर जो है ना बॉल के प्रति, ये अभी डर उसका चला गया. अभी वो अगले बार कभी भी कोई भी बैट्समैन मारेगा या ड्राइव करेगा जोर से मारे हुए बॉल में हाथ डालने के लिए अभी डरेगा नहीं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है. बट अंगद ने उस दिन जो हाथ डाला एंड बॉल अड़ाया ना तो मुझे थोड़ा फिकर भी हुआ बट अच्छा भी लगा कि उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई. वो मैच में उसने ना तो विकेट निकाली ना तो स्कोर बनाया, एक रन पे आउट हो गया. बट वो मैच का अंगद के लिए जो आउटकम था वो था कि उसने वो मारे हुए बॉल में हाथ डाला और जिसका डर था वो हो गया. आई हमारी लाइटिंग अभी डिस्को डिस्को कर रही है, बारिश हो रही है, बारिश नीचे गया था, ड्रिजलिंग चालू हो गई है. यस अभी भी गिर रही है, थोड़ा लाइटनिंग भी हो रहा है हल्का हल्का सा, वहाँ पे वो ज़्यादा बारिश है. चलो दोस्तों शाम हो गई है एंड आज का दिन ख़त्म हो गया है तो आज का ब्लॉग भी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नॉट डली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइट लग गई डिस्को डिस्को एंड हिट दैट बेल आइकन तो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी. सो दोस्तों एज ऑलवेज अडियोस अमिगोस.